चतरा पुलिस ने जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर थाना पुलिस ने 14.5 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो अफीम व विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल के साथ अंतर जिला गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के 4 गांव से हुई है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि ब्राउन शुगर बनाने के लेकर अफीम तस्कर बड़े पैमाने पर अफीम की खरीद करने की योजना से 4 गांव में एकत्रित हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 गांव में स्थित अफीम तस्कर पिंटू दांगी के घर छापा मारा। छापेमारी के दौरान उसके घर से अफीम खरीदगी को रखा 14 लाख रुपये नकद, सैंपल के लिए रखा 1.5 किलो अफीम के अलावे आईफोन समेत विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। गिरफ्तार तस्कर संजय दांगी गिद्धौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा तस्कर निर्मल मंडल गिरिडीह जिले के गांडय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। संजय और निर्मल दोनों अफीम की तस्करी करते थे। अफीम तस्करों के विरुद्ध हुए पुलिसिया कार्रवाई से जिले में सक्रिय तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। 16/12/2020 को एक गुप्त सूचना मिली कि राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम चारू में करोड़ का कारोबार होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में श्री केदारनाथ राम पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चतरा के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। उस टीम में हमारे थाने के स्टाफ और मैं भी स्वयं शामिल था। उस टीम का नेतृत्व श्री केदारनाथ राम द्वारा किया जा रहा था। तो उसी छापामारी कर पिंटू दांगी के घर से 14,50,000 रुपये कैश बरामद किया गया और 1.5 किलो गीला अफीम बरामद किया गया है। इस कांड में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी भी हुआ है, जो पिंटू दांगी के घर अफीम खरीदने के लिए आए हुए हैं। जो अभियुक्त हैं वो है निर्मल मंडल और ये गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। थाना इनका गांडे हुआ और साकिन रकस कुकू हुआ और एक संजय कुमार दांगी है, ये गिद्धौर के रहने वाले हैं। और इसके साथ एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी और 3 कीपैड मोबाइल भी बरामद किया गया। दांगी गिरफ्तारी के दौरान भाग गया, उसको गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है और जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पिंटू दांगी का साइबर क्राइम के अपराधी रह चुके हैं और ये फिलहाल ही जेल से छूटे हैं। पिंटू दांगी के विरुद्ध राजपुर थाना में 3 कांड दर्ज है। तीनों कांड धार्मिक उन्माद को लेकर है और ये संजय कुमार दांगी का ये पहला कांड राजपुर थाना में दर्ज है। इसके सिवा एक गिद्धौर थाना में भी दर्ज है और एक गिरिडीह के निमिया घाट में भी NDBS के एक्ट में ये कांड इसके खिलाफ दर्ज है।